भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। आपको हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए, ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून हमने ऐतिहासिक बनाई, पूरे देश में चर्चा उसकी है, स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं, इसलिए जब तीन राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इतना अभी तो आ तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करें क्या कारण रहे होंगे। नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काट रहे हैं, कुछ टिकटें और काट रहे हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर दो, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंडिंग में थी तो नो ऑप्शन, इस प्रकार हालात बन गए थे, इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर, अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं, अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए मैं तो जनसेवक हूँ, मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाले की सेवा करूं। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पर रहूं या नहीं रहूं, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में रहूंगा, प्रदेश वासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी, सबने हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर, और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर, और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी, नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने है, हम इसको भी देखेंगे क्या कर रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं में कहना चाहूँगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं, उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, पांच सात मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर, उनका टारगेट था क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टेडिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी, तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी सर, जो सचिन पायलट के, और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोकतंत्र हत्यारे हैं, उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाले भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी, बार बार करने लाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और तीन तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए, हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती, होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ही लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो ध्रुवीकरण हुआ है, लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की एक तरफ जीत थी,
मध्य प्रदेश में जनता इलेक्शन लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ में, ये माहौल था आज से 4 महीने पहले 3 महीने पहले, और राजस्थान के अंदर शानदार माहौल था। कल रात तक उम्मीद थी सरकार हमारी बनेगी, तब भी मैंने कहा परसों नहीं बनेगी तो हम विथ ह्यूमिलिटी।